हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज अनूप एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलिंग कंटिन्यूज। एज यू नो मुझे ट्रैवलिंग का तो बहुत शौक है ही। कुछ लोगों को पता है कि मैं एक मैरिड हूँ एंड आई हैव टू ब्यूटीफुल किड्स आल्सो। तो अब ट्रैवलिंग का चैनल है, ट्रैवलिंग के बारे में बता। हाँ बता रहा हूँ। सो गाइस, रिसेंटली आई हैव विजिटेड चांदनी चौक, नई सड़क एंड जामा मस्जिद। या जामा मस्जिद में फर्स्ट टाइम गया था। सो गाइस, जब बीवी मायके जाती है और आपको ट्रैवलिंग का मौका मिलता है, आप कहीं भी जा सकते हैं अपने फ्री टाइम पे, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं विद इन द सिटी और कहीं भी घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं। और हाँ, किसी को पता नहीं चलता, आजकल की बीवियों को सब पता चल जाता है। ये तो पागल है। सो गाइस, आप भी जा सकते हैं, अगर आपकी बीवी मायके गई हुई है तो आप भी कहीं भी घूम जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो आज टाइम निकाल के हम आए गए बाहर फाइनली। घर में बड़े बड़े बोर जो हो गए थे ना, वाकई में ऐसा लग रहा था कि बस भाग जाओ यहीं पे। और आया पता है क्या है, नहीं कोई नई जगह नहीं है, अपन आया बहुत पुरानी जगह जिसका नाम ही पुरानी, दिल्ली सिक्स। अक्षय कुमार का घर भी है आस पास ही। यूँ तो चांदनी चौक को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक हेरिटेज है। यहाँ की मार्केट, या कहूँ कि पुरानी दिल्ली को अगर फील करना है तो ये छोटी सी वीडियो ना काफ़ी है। इसके लिए आपको तकल्लुफ़ उठाकर साक्षात यहाँ आना होगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बंगला गुरुद्वारा सीसगंज साहिब बहुत फेमस है। आज से 5 या 10 साल पहले आई थिंक, नहीं 5 साल पहले यहाँ का जो भीड़ भाड़ रहती थी ना, और क्राउड रहता था, मतलब चलने तक कोई जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब देखो यहाँ पूरा बदल चुका है, पूरा फेस ही बदल दिया हमने। तो हम पराठे वाली गली में आ गए हैं। पराठे वाली गली, जैसे कि इस गली के नाम से ही पता चल रहा है, इस गली में आपको पराठे की सारी वैरायटी मिलती है। आज़ादी की पहले तक छोटा दरिबा के नाम से जाने जाने वाली ये गली, आज़ादी के बाद पराठे वाली गली के नाम से मशहूर हुई। धूप में चलते हैं तो अगर ऐसी गली मिल जाए ना, छाए वाली, येलो तो नहीं है ये? ओह माय गॉड, अक्षय कुमार है यहाँ पे? नहीं यहाँ पहले। अच्छा, सो गाइस, मेरे पीछे जो घर है ना, ये अक्षय कुमार का घर है, मतलब यहाँ पे पहले रहते थे, बचपन में यहाँ पे पीता है। लोकेश की फेवरेट चीज भैया मीठी वाली चटनी में डबल खाना। चलते चलते जब भूख लगे तो खा ले बेटा छोले कुलचे। भूख तो बढ़ गई होगी तेरी। और अरे खतरनाक भाई, दिखाऊंगा पानी निकाल के हाथ में मुंह से पिलार भरी है। तो यार पूरी मार्केट घूम के ना, अगर छोले कुलचे की दुकान दिख जाए तो भूख दुगनी हो जाती है। तो नई सड़क पे आने का क्या सा एक्सपीरियंस है? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। खैर मैं बहुत बार आ चुका हूँ, इवन मैं स्कूल से बंक मार के यहीं आता था। ये स्कूल से बंक मार के ना वो सीधा यहीं पे आता था, हम घूमते थे पूरा ओल्ड दिल्ली। और मेरा क्या था, हमें बंक मार के ना हम खेलने आते थे, क्रिकेट खेलने आते थे। खेलने हम भी जाते थे, लेकिन कभी कभी जैसे हमें किताबों की जरूरत होती थी ना, तो वो ये 2 किताबें खरीदी और 3 दोस्तों ने यहाँ से पार कर ली। नई सड़क इज नोन फॉर बींग वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट टेक्स्ट बुक मार्केट। अगर आपको किसी भी पब्लिशर या किसी सब्जेक्ट की न्यू या ओल्ड वर्जन की बुक नहीं मिले तो चले आइए दोस्त नई सड़क। सो गाइस, आज मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ जामा मस्जिद।
इवन मैं तो नई सड़क भी फर्स्ट टाइम ही आया था। मार्केट में यार मास्क लगाना कितना मुश्किल होता है यार, लेकिन जो लोग काम करते होंगे यहाँ पे उनको तो हर वक्त मास्क लगा के रहना पड़ता होगा, है ना, उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है। जामा मस्जिद मार्केट फेमस है अपने मुगली ट्रेडिशन डिशेस के लिए। नॉन वेजिटेरियन के लिए ये मार्केट तो मस्ट विजिट प्लेस है। अल जवाहर एंड करीम यहाँ की सबसे बेस्ट एंड ओल्डेस्ट फूड चेन है। यहाँ आपको नॉन वेज की सारी वैरायटी अवेलेबल हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा ना लगा हो, आपको कोई फीडबैक देना है या फिर कोई कंप्लेंट या कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सुरक्षित रहें, एंड यस, ट्रैवलिंग कंटिन्यूज़। बाय बाय।